नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो एक्चुअली आज का डेट में मैं आपके लिए एक ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बात करूंगा। देखिए, जितने जितने बंदे आप लोग इंटरनेट में है काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस का काम कर रहे हैं, उस सभी के लिए मैं कोई ना कोई ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। किस लिए बना रहा हूँ? मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप सभी के पास अच्छा अच्छा नॉलेज आपको मिले। ऐसे तो नहीं जो जो आप लोगों के पास अगर कोई जॉब कर रहे हो, अगर कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो मैं उसी बंदा को मैं बोल रहा हूँ जो ऑनलाइन ऑनलाइन में काम कर रहा है। ऑनलाइन में जो इनकम आपको देगा दोस्त लोग, किसी बिजनेस में नहीं देगा। जैसे मैं आपको बोला, मैं पिछले 10-12 साल से मैंने जॉब किया। लास्ट 2014 के एंड तक मैंने फुल टाइम जॉब में था। तो आज के तारीख में 2017 हो गया, मतलब 2.5 साल के ऊपर मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग में काम करा था। मेरा काम क्या है, मैं डिजिटल मार्केटर, ऑनलाइन मार्केटर, एफिलिएशन मार्केटिंग, और ज्यादा से ज्यादा जितना जितना कंपनी है उस कंपनी का मैं एफिलिएशन लेके काम कर रहा हूँ। हाल ही में और 2-3 कंपनी में अटैच हुआ हूँ। तो मेरा जो काम है वो एक्चुअली ऑनलाइन में ही काम करना पड़ता है सब लोगों का। आप लोगों को सब पता है, ऑनलाइन में अगर आप काम करोगे और आप किसी लीगल बिजनेस में अगर अटैच हो, जैसे बहुत सारा कंपनी है जिसमें लेजिट इनकम देता है, लेजिट मतलब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, आपको इनकम आएगा आपका पास, आपका जो जो इनकम आप चाहता है, आपको टारगेट बनाइए आप 1 महीने कितना इनकम कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सही तरीके से आप बनाए, तो आपका थोड़ा प्लानिंग, ऐसे तो प्लानिंग होना चाहिए कैसे आपको प्लानिंग है, क्या आपका टारगेट है। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली तो ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस में आप लोग को पता है, वर्ल्ड वाइड बिजनेस में आप काम कर सकते हो। ऑनलाइन बिजनेस ऐसे एक बिजनेस है इसमें आपको बहुत सारा इनकम तो आएगा ही, उसके उसके हिसाब से भी आप अगर नेटवर्क बिल्ड करते हो। देखिए दोस्तों, आप जॉब करते हो फुल टाइम, जॉब मतलब आप खुद ही ऑफिस जाते हो, खुद ही ऑफिस निकलते हो। अगर आप एक दिन ऑफिस नहीं गया तो क्या होगा, किसी दूसरा बंदा आपको काम कर देगा? नहीं, आपका ही जाना होगा। आपका बॉस आपको पूछेगा आप क्यों नहीं आए हो, क्या प्रॉब्लम था आपको, तो आपको वो काम दूसरे दिन करना पड़ता है। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में आपका काम किसी दूसरा बंदा आपका टीम पे रहेगा, काम कर देगा। जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा वेरी सिंपल नॉलेज में। अगर आप पर डे 8 से 10 घंटा आप काम करते हो जॉब में, किसी दिन आपका कोई कोई बीमार हो गया, आपका आपका तबीयत अच्छा नहीं था, आप ऑफिस नहीं गया, तो क्या होगा, दूसरे दिन आपको बॉस आपको बुलाएगा, डांटेगा आपको, उसके हिसाब को आपको जो काम है वो आपको दूसरे दिन आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हमारा ये जो कंपनी में आप ज्वाइन कर लिया, आपका 5 टीम है, 5 बंदा है आपका टीम पे, 5 बंदा किसी तरह एक एक घंटा करके काम कर लिया, दूसरा दिन आपका जब काम पे आप जाओगे, आप काम कर लिया 4 घंटा, आपका बंदा लोग एक एक बंदा एक एक घंटा करके काम कर लिया, मतलब 5 और 5, 10 घंटा आपका काम हो गया। दूसरा दिन आप किसी तरह का आपका तबीयत नहीं, तबीयत ठीक नहीं था, आपको शायद घर में कोई प्रोग्राम है, रिश्तेदार आने वाला है, आप काम पे जा नहीं सका, तो क्या होगा, उस दूसरा दिन आपका जो टीम है एक एक बंदा 3-3 घंटे करके काम कर गया, मतलब 12 घंटा काम हो गया आपका। तो दोस्त तो देखिए, किसी तरह का आप एब्सेंट हो गया, मतलब आपका काम पूरा जारी है। तो मैं आपको एक कंपनी के बारे में आज बताऊंगा जो पूरा इंडियन कंपनी है, जो हमारा डिजिटल इंडिया का लेके काम कर रहा है। इस कंपनी हाल ही में लॉन्च हुआ, ज्यादा दिन नहीं हुआ, लगभग सितंबर 2016 में लॉन्च हुआ। आज का डेट में एक कंपनी का
सब्सक्राइबर मतलब जितना बंदा अभी ज्वाइन कर लिया बहुत है, लाख तक पहुंच गया है। तो इसके लिए बिजनेस क्या है, देखिए आप लोग तो सभी जानते हैं किसी न किसी तरह हम लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट मिंत्रा से परचेस करते हैं। तो हम लोग परचेस करते हैं लेकिन क्या हम लोगों को कोई कमीशन मिलता है? नहीं, किसी तरह का कि आप क्या अगर कोई किसी दिन आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट मिंत्रा यहाँ से कोई टीम बिल्ड करने के लिए स्कोप दिया? नहीं। तो अगर आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, अगर शॉपिंग से अगर कुछ आपको कमीशन मिलता है, और अगर किसी बंदे का रेफर करते हो, अगर वो बंदा कोई खरीदारी करे, जैसे कोई परचेस करे, तो आपको भी कमीशन मिलता है। अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो आपको क्या लगेगा, सिस्टम चलेगा? मेरे हिसाब से तो ये अच्छा सिस्टम है। जो ये जो कंपनी के बारे में आपको बोल रहा हूँ, वो कंपनी का नाम है, मैं आप डिटेल्स में आपको जा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। ये जो कंपनी है, ये कंपनी आपको क्या देगा क्या नहीं देगा आप सोच नहीं पाओगे। इसका नाम है हेलो हार्ट। ये हेलो हार्ट क्या है, हेलो हार्ट एक इंडियन कंपनी है। इसमें आपको तरह तरह का प्रोडक्ट देखिए, जैसे आपको मेंस प्रोडक्ट से लेके, देखिए कमीशन आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही। देखिए हर कंपनी में डिस्काउंट है, इस कंपनी में डिस्काउंट है 42% ऑफ, इसमें देखिए 70% ऑफ, इसमें 39% ऑफ। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या नहीं है, इसमें आपको मेंस वुमेन्स इलेक्ट्रॉनिक्स फुटवेयर अदर्स बहुत सारा का प्रोडक्ट इसमें। तो इसके लिए आपको देखिए, मैं अगर मेरा टीम पे अगर किसी बंदा ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं इसलिए यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, ऑलरेडी मैं मेरा टीम तैयार हो रहा है। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ज्वाइनिंग होने के बाद पांच बंदा को लाना है, पांच ही बंदा। तो अब ऐसा नहीं है आपको फैमिली में पांच बंदा है आपको ज्वाइन कर लिया, किसी बंदा को आपको दोस्त सर्कल से हो सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप से हो सकता है, फेसबुक ग्रुप से हो सकता है। लेकिन ज्वाइन होने के लिए आपको क्या चाहिए, 1000 रुपया चाहिए, मतलब 1000 रुपया। और ये कंपनी का काम करने के लिए ओनली इंडियन पीपल चाहिए, बाहर का आदमी काम कर नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पैन कार्ड चाहिए, इंडियन पैन कार्ड। और जो आपको कमीशन आएगा वो आपको अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे जैसे इसमें क्या क्या फैसिलिटियां देखिए, इसमें अगर आपको काम करोगे, आपको हर महीना इसमें कंपटीशन है, और इसमें कमीशन का अलावा आपको क्या क्या मिलेगा, रिकॉग्निशन है। रिकॉग्निशन जैसे फर्स्ट एलईडी टीवी, सेकेंड है बुलेट बाइक, थर्ड है आपका मोबाइल फोन, फोर्थ है आपका 3 BHK बांग्लो, जहां पर आप रहना चाहते हो, अगर कलकत्ता दिल्ली मुंबई हैदराबाद किसी सिटी पे 3 BHK फ्लैट, सॉरी 3 BHK फ्लैट। फोर्थ है फॉरेन ट्रिप स्विट्जरलैंड अदर्स कंट्री, जहां जहां आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये 1000 रुपया आप दे के ज्वाइन कर लिया, वो रिफंडेबल भी है। कैसे, जैसे आप 1000 रुपया दे दिया, आप चाहते हो किसी खरीदारी आप किया दूसरा दिन, सपोज आप 10,000 रुपया का एक एलईडी टीवी खरीदा, तो उस हिसाब से 10% कमीशन होता है 1000 रुपया। तो जैसे आपको ज्वाइनिंग हो गया आपका दूसरा दिन, आप जब पेमेंट करोगे आपको सिर्फ की सिर्फ 9,000 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी कमीशन आपको 1000 रुपया आ गया है उसमें। तो इस हिसाब से आप ज्वाइनिंग फ्री है, ठीक है। तो मैं आप अभी दिखा रहा हूँ कैसे मेरा टीम पे आप ज्वाइन कर सकते हो। देखिए मेरा, हाँ दोस्तों मैं फिर से आ गया। एक्चुअली देखिए मेरा ये जो सिस्टम है, वो सिस्टम पूरा क्लियर कट सिस्टम है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो जो आपको काम करना है, देखिए इसमें मेरा हेलो हार्ट में जो अकाउंट है आपका, ठीक है, हेलो हार्ट में आपका एक अकाउंट होना चाहिए। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपका एड्रेस है, ये हेलो हार्ट का एड्रेस है, क्या लिखना पड़ेगा आपको, पहले गूगल गूगल में आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, गूगल में टाइप करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, आप पहले जाइए यहाँ से, आप जैसे आप यहाँ से जाइए, ठीक है, यहाँ से आप लिखिए आपका, यहाँ पर लिखना होगा, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ ये कैसे होता है, आप पूरा डिटेल्स में आप मिलेगा आपको।
ठीक है, पूरा डिटेल्स में देखिए कैसे कैसे होता है काम, पूरा सिस्टमेटिक काम है, ऐसे कोई नहीं है ऐसे ज्यादा से ज्यादा। अच्छा दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या करना पड़ता है। पहले आपको जो गूगल बार है उसमें आपको टाइप करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा इसको वेबसाइट एड्रेस, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ www. आपको स्पेलिंग ठीक से देखना पड़ेगा, आप देखिए ठीक से, अगर ठीक ठाक हो गया तो आप देखिए इसमें आप मैंने क्या लिखा, देखिए क्या लिखा, हेलो हार्ट, ठीक है दोस्तों, मैंने हेलो हार्ट लिखा, हेलो हार्ट .com, ये है कंपनी का नाम है, तो मैं ये देखिए मैं इंटर कर रहा हूँ। देखिए इसमें आ गया हेलो अर्थ ऑनलाइन ग्रोसरी, अब देख पा रहे हो पहले जो निशा में जो आ रहा है कंपनी का नाम है, ठीक है, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए इसमें आपको जो जो है इसमें आप देखिए इसमें ये सिस्टम आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा, तो अगर आप सिस्टम एक बार फॉलो कर लिया तो आपको ये काम एकदम आसान हो जाएगा। देखिए पहली दिशा में आपको ये कंपनी की वेबसाइट आएगा, वेबसाइट में देखिए इसमें क्या क्या काम, इसमें क्या होता है काम, कैसे कैसे काम बनता है ये आप पूरा देखिएगा, ठीक है। इसमें जो जो प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट मंत्र उससे खरीदे, आप हर डे कोई ना कोई प्रोडक्ट आप तो खरीद रहे हो ना, तो ये अगर ये कंपनी से आप खरीदोगे ना तो उसमें आपको कमीशन तो मिलेगा ही। अगर आपका आपके पास 10 बंदा है, 10 10 बंदा, 10 10 बंदा अगर 10,000 करके खरीदारी किया तो देखिए कितना प्रोडक्ट आ गया उसमें, तो वो उससे भी आपको कमीशन मिलेगा। तो ये कमीशन मतलब आपको लाइफ लॉन्ग और आपका पूरा 125 करोड़ का कमीशन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो पहले मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो मेरा जो सिस्टम है, सिस्टम जाने के लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा, साइन इन मतलब यहाँ से साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन इन में मतलब आपका क्या देना पड़ेगा, क्रिएट अकाउंट, अगर आपका कोई नया नया बंदा हो आप यहाँ से क्रिएट अकाउंट कर सकते हो, अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर ज्वाइन कर लिया ठीक है, तो आपको इस यहाँ से आपको आईडी मिलेगा, कस्टमर आईडी, वो आईडी होता है मतलब न्यूमेरिकल होता है, ये इसमें पासवर्ड होता है। तो अगर आपको यहाँ पर से क्रिएट करना है तो पहले आपको क्रिएट जाना होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको स्पॉन्सर का नाम देना होगा, ठीक है, स्पॉन्सर का नाम जैसे आपने दे सकते हो, ये मेरा स्पॉन्सर आईडी है, ठीक है, बाद में आप नेक्स्ट का बटन दबाइए, ठीक है, नेक्स्ट बटन क्या बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा नेक्स्ट बटन बटन को दबाने के बाद आपको क्या होगा इसमें, देखिए ये मेरा आईडी है उज्जल फनी चक्रवर्ती, राइट, क्योंकि उज्जल मेरा फर्स्ट नेम है, फनी मेरा पापा का नाम है, चक्रवर्ती मेरा सर नेम है। तो जैसे आपने मतलब लिख लिया, देखिए इसमें आपको एक नाम देना पड़ेगा, तो मैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा स्पॉन्सर नाम है, मेरा नाम है UJJL, मैं आपको पूरा पूरा जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये मेरा अगर इस आईडी में अगर आपको स्पॉन्सर ठीक से आप लिख लिया तो मेरा अंडर में आप ज्वाइन करोगे, नहीं तो किसी दूसरा बंदा को पास चला जाओगे, मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए जब तक आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो जाए पूरा ध्यान से वीडियो आप देखिए, मेरा स्पेलिंग भी आप देख लिए, देख लीजिए मैं पूरा स्पेलिंग आपको दिखा रहा, तो ये अगर आप नोट कर सकते हो नोट भी कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला स्पॉन्सर का नाम पहले देना होगा, उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, जैसे मैंने बोला आपको आपका फर्स्ट नेम होगा, मैं आप जूम करके दिखा रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम जैसे ये है, ठीक है, तो मैं दिखा रहा हूँ फर्स्ट नेम जैसे आपका सुमा, सॉरी
मैंने आपको जूम करके दिखाया तो आप देख सकते हो क्या मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट नेम, जैसे आप फर्स्ट नेम दे दिया तो आपको फर्स्ट नेम में आपका, फर्स्ट नेम में आपका पहला नाम जो है आपका, ठीक है। और मिडिल नेम क्या होता है? मिडिल नेम आपका पापा का नाम होता है। ठीक है, मैंने उसका पापा, हमारा जो मेरा जो टीम पे आ रहा है उसका नाम है सुमन दीपेश सिंह। यूजर यूजर नेम आप लिख सकते हो सुमन, पासवर्ड, पासवर्ड आप क्लिक कीजिए जैसे सुमन @ 2017, सुमन @ 2017, राइट। अच्छा, बाद में आप जाइए, देखिए इसमें ईमेल है, ईमेल आईडी मतलब आपको ईमेल बनना होगा, आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल है जिसमें आपको अगर किसी प्रॉब्लम होगा कंपनी आपको मेल भेजेगा, इस मेल से आप आपका इनकम, आपका भाउचर, क्या क्या भाउचर आया वो आप देख पाओगे। ठीक है, तो मैं मेल दिया, देखिए दोस्त लोग इसमें आपको पूरा ध्यान से देखिए, ये जो मैंने लिखा ये पूरा आपको ध्यान से देखना होगा। ये जो ईमेल आईडी आप लिख रहे हो ये आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होना चाहिए, नहीं तो आपको जो भाउचर भाउचर आएगा वो ठीक से आपको मेल में दिखा नहीं पाएगा। ठीक है, अच्छा मैं लिखा कंट्री कोड, देखिए कंट्री कोड क्या है, कंट्री कोड आपको लिखना होगा, जैसे हम लोग इंडिया का है तो 91 आपको कोड होगा, आप मोबाइल नंबर दीजिए। ठीक है, फुल एड्रेस लिखिए, पिन कोड आप सही ढंग से लिखना होगा क्योंकि पिन कोड अगर करेक्ट होगा तो आपको कोई असुविधा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें पूरा डिटेल भर के इसमें स्टेट दे दिया। मैं एक्चुअली आपको ये एग्जाम्पल का तरफ से कैसे फिलअप होता है दिखा रहा हूँ, और एक भी बांदा भी है उसका भी मैं फिलअप कर रहा हूँ इस हिसाब से। तो इसके हिसाब से आपको क्या होगा, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा कैसे कैसे पूरा फॉर्म फिलअप होता है। देखिए मैंने ऑलरेडी कर दिया, तो इसमें मेरा डिटेल्स देखिए, मैं पूरा डिटेल्स भर दिया डिपेस, दोबारा देखिए क्या करना लिखना पड़ेगा, कस्टमर लॉगिन मतलब आपका नाम, खुद का नाम, इसका बाद देखिए मिडिल नेम मतलब आपका पापा का नाम होगा, लास्ट नेम होगा आपका सरनेम, आपका यूजर आईडी, एक ऐसे यूनिक यूजर आईडी देना होगा जैसे आपको याद रहे, ऑल टाइम आपको याद रहे। ठीक है, यूजर नेम आप दे दिया। ठीक है, तो बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको आपका पासवर्ड देना होगा। ठीक है, पासवर्ड के बाद आप क्या करोगे, आप जाओगे आपका नेक्स्ट पार्ट जो है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है आपको आपका पासवर्ड दे दिया, डिटेल्स हो गया कम, तो बाद में मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस देके आप पूरा सबमिट कर रहे हो प्रेजेंटर एरिया। अच्छा एरिया नहीं दिया अभी तक, ठीक है सॉरी। तो मैंने ऐसे भर दिया जैसे एग्जाम की तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आप दबा के क्रिएट अकाउंट आप प्रेस कीजिए, क्रिएट अकाउंट बटन है,
तो देखिए इसमें लिखा है वेलकम टू सुमन दीपेश सिंह, सब्सक्रिप्शन पर वेब पे INR 1000 और NEFT के लिए मतलब अलग तरीके से। देखिए NEFT और वेब पे में दोनों में डिफरेंस है। NEFT में क्या होता है, NEFT में आपको पहले से NEFT अकाउंट भरना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। अगर आपको नेट बैंकिंग है, सपोज आपका कोई नेट बैंकिंग है किसी एक्सिस बैंक, किसी ICICI बैंक, किसी बैंक से आप अगर आप पे करना चाहते हो सब्सक्रिप्शन, तो इसलिए आपको पहला वो जो क्लिक वो करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्लिक करता सब्सक्रिप्शन फॉर पे 1000, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर देखिए आपका फोन नंबर आ गया और सर्विस टैक्स जोर के आपको आता है 1023। तो जैसे आपको पेमेंट के लिए मांग रहा है, आपको दो ऑप्शन आएगा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, राइट। अगर किसी बंदा का क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड क्लिक करना पड़ेगा। आप ठीक से देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये ऑप्शन आपको आएगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन से आपको क्या मिलेगा, आपको आपका इंफॉर्मेशन अगर आप सही ढंग से दोगे तो इसमें आपको डेबिट कार्ड, सपोज आपका डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड प्रोसीड करिए। जा रहा है डेबिट ऑप्शन के लिए, इससे आपको कार्ड नंबर, आपको जो कार्ड नंबर है आपको कार्ड के ऊपर जो नंबर होता है वो लिखना पड़ता है, इसमें एक्सपायरी डेट, इसमें ईयर, CVV मतलब आपका जो कार्ड का बैक साइड में 3 संख्या का जो होता है, और इसमें आपका कार्ड का नाम, कार्ड के ऊपर आपका नाम ये देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर जब तक आप ये फिलअप ना करोगे आपका अकाउंट से पैसा डेबिट नहीं हो पाएगा। जैसे आप दे दिया तो आपका अकाउंट से ये पूरा डेबिट होके आपका मेल में एक मेल चला जाएगा, जैसे आप दे दिया मतलब आपका आप हमारा हेलो हार्ट का एक मेंबर बन गया। तो यह है पूरा सिस्टम, कैसे आपको ज्वाइनिंग करना है, कैसे आपको पेमेंट करना है, कैसे आपको सिस्टम पूरा मैं आपको बोल दिया। तो दोस्तों मैं एक्चुअली ये जो यूट्यूब ट्यूटोरियल बनाया आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया, मैं आपके लिए इसलिए बनाया, अगर कोई आपका अच्छा लगे लाइक कमेंट और जरूर शेयर कीजिए। और पहले मैं आपको निवेदन करता हूँ आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा ही चैनल पे बहुत सारा ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, खास खास मेरा चैनल सब्सक्राइबर के लिए। आप चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर किसी बंदा मेरा जो लिंक है मैं वो जरूर लिंक भेजूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और लिंक में जाके आप सब्सक्राइब आप ज्वाइन कीजिए, ये अच्छा बिजनेस है और आपके लिए करियर के लिए अच्छा, एक मतलब 10,000, 20,000, 25,000 रुपया का मंथली इनकम के लिए नहीं, लाखों रुपया का इनकम के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये दोस्त लाखों का इनकम हो सकता है ऑनलाइन, ये एक्चुअली पॉसिबल क्यों है, इसलिए कि ये ऑनलाइन बिजनेस है, आप कमा सकते हो इसमें, आपको पॉसिबिलिटी बहुत सारा है। तो ठीक है दोस्त लोग, आज के लिए मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, और तब तक नमस्कार, खुश रहे, अच्छा रहे, जय हिंद।